अस्सलामुअलैकुम, क्या चल भी करते क्या खैरियत से मेरे मर्द आए कि आप हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया बी रेडी, पाकिस्तान विल टेक रिवेंज द चैंपियन ट्रॉफी इन वर्ल्ड कप 2026। तो देखते हैं जी वीडियो, रखना वेट कर देंगे, काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। हाँ। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। हाँ। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे की खातर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। हाँ। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना पाकिस्तानी टीम तो कहती है मैं आईपीएल में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, कम है पैसा मिलेगा, लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड है, ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिनते करे फिर बात है, जैसे हम कर रहे हैं ना आज, वैसे पूरा मुल्क इनकी। बहुत अफसोस है कि इंडिया नहीं आ रहा, आना चाहिए इनको। हाँ, हम फैन है इंडिया के, किंग कोहली के फैन है, शर्मा के हैं। मैंने जिंदगी में आज तक मैंने कजाफी स्टेडियम का नाम सुना, मैं नहीं गया मैच खेलने, बट मैंने जाना था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कजाफी, मगर वो आते मैं इतना शौक था, लेकिन मैंने भी जाना था, आप नहीं अगर नहीं आने, मैं यकीन कर रहा मैंने नहीं जाना, ना मुझे ज़रूरत है। बहरहाल इनको अपनी कौम की आई नहीं फिक्र आई नहीं, जल्दी से जल्दी एक्ट करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो हमारे मेन इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो टेररिज्म वगैरह हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनको जल्द अज जल्द सोल्व करें और अपने जो इमेज है उसको वर्ल्ड वाइड जो अच्छा शो करें। इतनी हैसियत है कि वो इंडिया को इनकार कर सके या वर्ल्ड कप ना खेल सके, उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान अच्छा? ना आ सके इनको। हाँ। तो वो उन्होंने किसी को वो भी नहीं दिया था, वीज़ा भी नहीं दिया था पाकिस्तान जाने और उधर इंडिया जाने के लिए, चार दिन पहले दिया था, उसके बाद वो भी तरलों के साथ। वाले नहीं आना चाह रहे तो ना आए, कोई मसला नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगी? चैंपियन ट्रॉफी इसी तरह होगी कि इंडिया ना आए, इंडिया के बगैर कैसे होगी? इंडिया के इतने बड़े शेयर होते हैं, आपको पता है ये मीडिया राइट्स होते हैं इतने ज़्यादा, आईसीसी की कमाई आती है बीसीसीआई से है जी, आती है, लेकिन अब हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो 2024 में भी गए हैं, 23 में भी वर्ल्ड कप में गए हैं उनके साथ, लेकिन वो नहीं आ रहे। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। चैंपियन ट्रॉफी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है और अब जो है ये क्लियर हो चुका है कि 99% जो है इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही। पाकिस्तान ने इस बात की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है कि अगर इंडिया नहीं आता तो 2026 में वर्ल्ड कप में हम इंडिया का बायकॉट करेंगे और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच देखने को नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 2 अरब रुपए चैंपियन ट्रॉफी पर इस वक्त पाकिस्तान बजट लगा चुका है और पाकिस्तान के लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया जो है हमें इंटरनेशनल टूरिज्म से माइनस करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक इंडिया नहीं चाहेगा आईसीसी जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होस्ट नहीं करवा। दोस्तों इसी बात पर चर्चा करते हैं पाकिस्तान की आवाम से कि 2026 में क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के मैच का पक्का बायकॉट हो जाएगा या फिर पाकिस्तान को मजबूरन इंडिया को हाइब्रिड मॉडल देना होगा और मैच जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई के अंदर होंगे। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी जरूर फॉलो। पाकिस्तान में इतनी हैसियत है कि वो इंडिया को इनकार कर सके या वर्ल्ड कप ना खेल सके, उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो पाकिस्तान अच्छा? ना आ सके इनको। हाँ। तो वो उन्होंने किसी को वो भी नहीं दिया था, वीजा भी नहीं दिया था पाकिस्तान जाने और उधर इंडिया जाने के लिए, चार दिन पहले दिया था, उसके बाद वो भी तरलों के साथ। हाँ। ये कैसे इनकार कर सकते हैं वो? हाँ। कभी भी नहीं पाकिस्तान इनकार कर सकते, अगले साल आप लोगों ने भाग के जाने, ये बात मेरी याद कर लें और लिख लें, आज लिख लें। हाँ। ये कभी भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ना आ जाए। पैसे के लिए पाकिस्तान सारा कुछ कर सकता है, जहाँ पाकिस्तान की आवाम सारा कुछ कर सकती है, प्लेयर्स तो बड़ी दूर की बात है, ये बड़े बिके हुए लोग हैं। हमने पीछे देखा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्या हो गया, 120 स्कोर 120 बालों पे नहीं होता था, हमें तो वो भूल ही नहीं रहा, बड़ा दुख है हमें। हाँ, लेकिन ये दुख से बाहर नहीं आवाम आई। अब तो पाकिस्तान ने 2 अरब रुपए लगा दिए कजाफी में, मोहसिन नकवी साहब ने इतना पैसा लगा दिया, मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि भाई आप अमृतसर को पॉइंट बना लो, वहां से मैच खेलो, लाहौर में वापस चले जाओ, हम आपके सारे के सारे मैचेस लाहौर में। अभी भी इंडिया मारा है, इंडिया की अगर टेनिस टीम आके खेल सकती है तो इंडिया के क्रिकेटर पाकिस्तान में आके क्यों नहीं खेल सकते? मैडम वो ब्रांड है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही? रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो पाकिस्तान आ गए, सभी टीम अंबानी की जो शादी उधर मसरूफ है। हाँ। इसलिए नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो 6-7 माह और भी चलनी है। चैंपियन ट्रॉफी जो है 2025 में है,
वो तो 2025 में है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान, ये फुल एंड फाइनल बात है, अगर वो पाकिस्तान आए अपनी मर्जी के साथ आ जाए, लेकिन वो पैसे के साथ उनको नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, उसके अलावा हाँ, वो अपनी मर्जी से आ सकते हैं। और पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं ना कि हम 2026 में बदला लेंगे, ये कभी भी नहीं ले सकते। हाँ, ये पैसे के पुजारी हैं सारे पाकिस्तानी हैं, मैं इनके मुँह पे कहता हूँ, ये पैसे के पुजारी हैं, ये लाजमी जाएंगे, जो भी हो ये लाजमी जाएंगे। ये आज मुझसे लिखवा लें, चाहे ये जितना मर्जी इंटरव्यू दे लें, 2026 में बदला लेंगे, 27 में लेंगे, फलाह में लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी है, ठीक हो गया। इन्होंने कहा कि 2026 में देख लीजिएगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर खेलेगा, ये सिर्फ बातें हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान अब ये भी कह रहे हैं, मीडिया जो क्रिकेट पे बात करते हैं, कि अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हम चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे। इंडिया के बगैर हो जाएगी ये ट्रॉफी? उसके बगैर तो मजा भी नहीं आना। हाँ, ना होनी है ना उसके बगैर मजा आना है, ये हाँ, उसके बगैर कर ही नहीं सकते। इन्होंने दुबई भागना है, देखना दुबई जाके मैच होने हैं, ये आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ, ये दुबई में ना मैच हो फिर आप कहना। पाकिस्तान उन्होंने आना नहीं है, अगर आए भी शाजर नाजर 100 में से 1% चांस है कि शायद वो आ जाएं, लेकिन हाँ, वो भी नहीं है कि इन्होंने नहीं आना। हाँ, इन्होंने जाके बाहर के मुल्क खेलना है। हाँ, जो ICC है वो इनको खिलाता है पिलाता है सारा कुछ करता है, क्यों वो पाकिस्तानों की बिस्ती करवा रहे? मैं कह रहा हूँ कि ना ही खोले बात, लेकिन ये वो इनको माल देता है। हाँ, सारी बात माल की है। हाँ, जब इनको मिलना है तो इन्होंने जाना ही जाना है, जो हाँ, मर्जी हो जाए। हाँ, इंडिया ने यहाँ पे नहीं आना, ये मुझे पता है। मसला क्या लग रहा है, इंडिया क्यों नहीं आना चाहता? हमने तो हर तरह के सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिए, इतने तरले मिनते करा लिए, क्यों नहीं आना चाहता? मसला क्या, आपको क्या लगता है? बात ये है कि एक एटीट्यूड भी किसी चीज का नाम है, जो पाकिस्तानियों में बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया में बहुत है। वो अगले खुद को ब्रांड समझते हैं, चाहे वो ब्रांड नहीं है लेकिन खुद को वो ब्रांड समझते हैं। मेरी बात सुने, वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। हाँ, अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ, पाकिस्तानियों ने पैसे की खातर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। हाँ, जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया जे, पैसे ना इंज कर लिया जे, उंज कर ले, वो हमारी इंसल्ट करते हैं। और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना। पाकिस्तानी टीम तो कहती है मैं IPL में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का कि हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो है कि वो उनको पैसा भी देंगे वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड है। ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिनते करे फिर बात है। जैसे हम कर रहे हैं ना आज, वैसे पूरा मुल्क इनकी करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन क्या एक हमारी इज्जत नहीं है। इज्जत नहीं है, बाकी क्रिकेट ग्राउंड तो है और बैट्समैन भी है, लेकिन इज्जत नहीं है। सर आपसे बात करेंगे, आपसे आप बात करेंगे। आप सबसे पहले बहुत खुशी हुई इस तरह के जो है क्वेश्चन सुन के, क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है हम ये हाइब्रिड वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह करवा रहे हैं, और इससे अच्छा, पाकिस्तान को बहुत लॉस भी हो रहा है, लेकिन किसी ने इस किस्म के जो है सवाल नहीं उठाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और पाकिस्तान हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करता आ रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म खत्म हो रही है, इंटरनेशनल टूरिज्म भी ख़त्म हो रही है, तो काफ़ी सारा इम्पेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान पे। तो ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल से अभी नाउ और नेवर वाला सीन होना चाहिए इस बार, और पाकिस्तान को अपना थोड़ा सा बिहेवियर हार्श रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको पता है पाकिस्तान में जितना चलता है इतना इंडिया में भी चलता है, ठीक हो गया। तो इंडिया के लोग जब पाकिस्तान आते हैं, हमारी हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा अकोमोडेट भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है, और इनके लिए जो रूट है वो भी ईजीली एक्सेसिबल बनाया हुआ है। लेकिन जब हमारे पाकिस्तान की जो है वो उनके प्लेयर्स की बात आती है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन मैंने देखे हैं वो इंडिया में अगर टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पर नहीं जा सकते, जो भी उसके रीजंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस बार थोड़ा सा हार्श बिहेवियर रखना चाहिए, और लेकिन ये हार्श बिहेवियर हमें नुकसान देगा। देखिए BCCI की अगर वर्थ की बात करें तो 1800 करोड़ इंडियन रुपीज़ में उसकी वर्थ आप कंसीडर कर ले। पाकिस्तान की अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर हम नेटवर्थ देखें तो ये 400 करोड़ के लगभग है, बांग्लादेश के आसपास है। तो BCCI की बात मानेगा कि PCB की बात मानेगा? आप देखे ना कि मीडिया शेयर कहाँ पे ज्यादा मिलेंगे ICC को। ओब्वियसली वो BCCI की जो है बात मानेगा। हाँ, लेकिन मेरा हार्श बिहेवियर से मतलब ये था कि हम उस तरफ जाने की कोशिश तो करें, चाहे वो BCCI को कन्विंस करने की बात हो, चाहे वो ICC को कन्विंस करने की बात हो। और सबसे पहले जो उनके मेन रीजंस है जिनकी वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहते, हमें सबसे पहले उनको सॉल्व करना चाहिए। अभी शाहिद अफरीदी का भी कुछ घंटों पहले स्टेटमेंट आया कि जय शाह जो है ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से निकाल के दुबई में शिफ्ट कर देंगे। अब ये अंदर की खबर तो पक्की है कि हमारे हाथ ये इवेंट नहीं आने वाला। तो बेसिकली अभी उनकी पॉलिसी भी इंडिया की यही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे ना। अच्छा, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उनकी जो वो सोच रहे हैं उसी तरफ जाएं। हाँ, तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्ट करें, कन्विंस। हाँ, करने की कोशिश करें, और जो हमारे मेन
इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो टेररिज्म वगैरह हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, उनको जल्द अज जल्द सोल्व करें और अपने जो इमेज है उसको वर्ल्ड वाइड जो अच्छा शो करें। और एक कैंपेन जैसे हम कोई भी किस्म का कैंपेन चला सकते हैं मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे, जिससे मतलब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी चाहिए ताकि इंडिया की क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ जाए। क्या ये काम करेगी? सोशल मीडिया देखे तो वो भी इंडिया का ज्यादा बड़ा है। इसका एक मैं आपको अच्छा सलूशन बताऊं कि जो हमारे यहाँ जो टूरिज्म की प्लेसेस नहीं, स्कर्दू वगैरह हो गए, अगर इधर हम बेहतरीन से बेहतरीन किस्म के ग्राउंड्स बनाए ना और उनको शो करवाएं तो कसम से पूरी दुनिया से लोग आएंगे इधर वो क्रिकेट। क्या आईडिया, लाहौर वानी नहीं है, स्कर्दू लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने ब्यूटी को एंजॉय करने नहीं आना, खेलने आना है। तो अभी देखें, हमें किसी न किसी तरीके से उन्हें अट्रैक्ट तो करना है ना टूरिज्म के, जो है वो नहीं मान रहे, नहीं हमें वर्ल्ड वाइड भी शो कर रहे हैं। अब हाँ। आप हम जो है इंडिया के, तो क्या जो कजाफी में जो 2 अरब रुपए हाँ। लग गए उसका क्या? वो भी ठीक है, इधर कुछ मैचेस इधर करो, पल्ले है पैसे है यार, इधर भी काफी सारा स्पोर्ट्स है तो बिजी रहते हैं सारे स्टेडियम। okay, अब मीडिया से अफवाहें ये आ रही है कि पाकिस्तान का अब ये स्टांस है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हम 2026 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, मतलब नो मोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट। आपको क्या लगता है कि ये जो स्टांस हम ले रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा देगा या एक पहली हमारे क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क है और इंडिया से क्या हम लड़ाई मोल ले सकते हैं क्रिकेट फील्ड में? जी बिल्कुल भी नहीं ले सकते। आप देखें कि पाकिस्तान 2021 में दुबई में हुआ, वो भी इसी वजह से हुआ कि कोविड था। उसके बाद जब ये पाकिस्तान ने करवाना था, पाकिस्तान में कुछ मैचेस हुए, उन्होंने फिर भी कहा कि हमने नहीं आना एशिया कप में, कुछ न्यूट्रल वेन्यू में हम करेंगे मैच, तो उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू में करवाया मैच। अभी ये मैं पाकिस्तान में नहीं होता, मैं होता हूँ बाहर, मैं MBBS कर रहा हूँ रशिया से। अच्छा, तो हम रशिया से आए जी, ठीक है। तो अब हमारे साथ ऊपर जो हमारे फ्लैट मेट्स हैं वो इंडियंस हैं। अच्छा, तो ये जो वर्ल्ड कप पीछे हाल ही में गुजरा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने पहले बहुत अच्छी तगड़ी बॉलिंग की तो उसमें हम बहुत हल्ला गुल्ला किया हमने। हाँ। तो उसके बाद जब बैटिंग आई तो हम सारे चुप करके बैठ गए। हमारी बस उसमें खुशकिस्मती ये थी कि वो इतने मैच में देख इतने इंटरेस्ट नहीं रखते क्रिकेट में। हाँ। तो जिसकी वजह से हमारी थोड़ी बचत होगी, वरना बड़ी बेइज्जती हो जानी थी। तो हमारी बेइज्जती तो हुई क्योंकि अपने मुल्क को जितवाना वो तो फिर बड़ी बात होती है। हाँ। तो वो उनका मुल्क जीत गया। अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया अफोर्ड कर सकता है। BCCI एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है जिसकी नेटवर्थ की अगर बात करें 1800 करोड़ से ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं जो हूँ अगर इंडिया नहीं आता तो मैं चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर लूँगा, ये पॉसिबल लगता है आपको? इंडिया के बगैर ये जो ट्रॉफी है वो कैसे होस्ट हो सकती है? इंडिया का बहुत बड़ा मीडिया शेयर भी है और ICC इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त करेगा? जी आप देखें कि खाली चैंपियन ट्रॉफी की बात आप छोड़ दें, आप एशिया की बात छोड़ दें, पूरे ICC का देखें अगर आप, तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ज़्यादातर जो इन्हसार होता है डिपेंड इसी पे करता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपको पता अरबों में जाता है, अरबों में जाता है, ठीक तो है। तो ICC मुझे नहीं लगता कि ये करेगा दोबारा। हाँ। तो अब क्या हमें हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया की बात माननी पड़ेगी? ये जो हम हवा में बातें कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी तो होगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होगी, मुझे लगता है ये हवाबाजी है बस। नहीं करना तो नहीं चाहिए, अगर वो इंडिया वाले नहीं आना चाह रहे तो ना आए, कोई मसला नहीं है। तो चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगी? चैंपियन ट्रॉफी इसी तरह होगी कि इंडिया ना आए। इंडिया के बगैर कैसे होगी? इंडिया के इतने बड़े शेयर होते हैं, आपको पता ही है, मीडिया राइट्स होते हैं इतने ज्यादा, ICC की कमाई आती BCCI से है। जी आती है, लेकिन अब हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो 2024 में भी गए, 23 में भी वर्ल्ड कप में गए उनके साथ, लेकिन वो नहीं आ रहे। तो ये अभी ये हमारी गलती नहीं है, हमने तो पहले भी ये स्टांस लिया था कि अगर इंडिया चाहता है कि ना आए तो हम ऐसे ही करवाएंगे, लेकिन आगे देखें जो अल्लाह को बेहतर मंजूर है। इंडिया नहीं आएगा पक्का, इंडिया नहीं आएगा, मुझे तो यही पक्का। और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल देगा ही देगा, देगा ही देगा भाई, प्रेशर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही जाएगा, करवाएगा। हम बदला लेंगे अगर इंडिया ना आया तो? हम क्या 2026 के वर्ल्ड कप में बदला लेंगे कि भाई हम भी नहीं खेलते वर्ल्ड कप? हाँ ले सकते थे अगर इमरान खान होता तो, क्योंकि आपको पता है 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान की टीम टॉप 20 में टॉप रही है। क्यों रही है? इमरान खान की वजह से। और अभी जो लीडर हमारे हैं ये सब इनका, हमारी जो टीम है ये अच्छी है, आप इनको कहेंगे अच्छी नहीं है, नहीं ये अच्छी है, PCB भी अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब लीडर हमारे गिदड़ हैं तो इन्होंने जो लीडर कहेंगे वही करना है, ये बात सच कह रहा हूँ। शायद ये आजकल ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि आप अगर किसी के खिलाफ बोलते तो आपको उठा लेते, उठाने से हम नहीं डरते क्योंकि
अगर मर भी जाएंगे, मरना तो एक दिन, ये मार देंगे और कुछ नहीं कर सकते इससे आगे। बट मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे लीडर अगर अच्छे होते हैं तो आज इंडिया इधर होता, क्योंकि इमरान खान ने कहा था जब ICC इधर आया था तो उसने, शायद इनकी हुकूमत थी नून लीग, इन्होंने कहा था ICC ने कि हम इंडिया को लाएंगे, आप अपनी टीम इंडिया भेजें, तो इन्होंने उस टाइम कमिटमेंट की होती कि अगर ना आए तो हमने नेक्स्ट टाइम इंडिया से बायकॉट कर देना, हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट हो जाएगा, क्या होना चाहिए था, ये नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, ये डॉलर के पीछे नहीं कर रहे। अगर इमरान खान होता तो ये बात 100% थी कि उन्होंने भी इधर आना था, उनको भी पता था, क्योंकि इमरान खान एक बार फैसला किया था कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो रिटेलिएट करेंगे। हाँ। बात यह है कि अगर इमरान खान होता तो हमें 100% चांस भी थे, उम्मीद भी थी कि वो इधर उन्होंने आना है। अगर इनकी हुकूमत है तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो इधर आए। अगर आ भी गए तो हमने हारना है, क्योंकि हमारे लीडर अच्छे नहीं हैं। अगर जीत भी गया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया वाले कमेंट कर रहे हैं कि हाँ पाकिस्तानियों डॉलर ले लिए, डॉलर किन ने लिए वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वर्दी वाले ने लिए हैं, शायद मुझे उठा भी लें, बट मैं डरता नहीं हूँ। तो इनका ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे लीडर में दिल होना चाहिए, बुजदिल हैं ये सभी, जब इनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है लंदन चले जाते हैं, इनको इधर डॉक्टर ही नहीं मिलते, ये सब लंदन का बहाना प्लान है। बट हमें बहुत अफसोस है कि इंडिया नहीं आ रहा, आना चाहिए इनको। हाँ हम फ़ैन हैं इंडिया के, किंग कोहली के फ़ैन है, शर्मा के हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक मैंने कजाफी स्टेडियम का नाम सुना, मैं नहीं गया मैच खेलने, बट मैंने जाना था इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने कजाफी में, अगर वो आते, मैं इतना शौक था, लेकिन मैंने भी जाना था, नहीं अगर नहीं आने, मैं यकीन कर रहा मैंने नहीं जाना, ना मुझे ज़रूरत है। बहरहाल इनको अपनी कौम की आई नहीं, फिक्र आई नहीं, अगर वो ना आए तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है। बात यह है कि अगर ये ऐसा करे तब मज़ा है, ठीक है। 2000 जो पिछला या T20 वर्ल्ड जो इंडिया में हुआ, तो हम तो गए, पाकिस्तान को उन्होंने टिकट ही नहीं दी, ठीक हाँ। है प्लेयर को बहुत मुश्किल से टिकट मिली, और हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आओ, आ गए ठीक है, ना है तो कोई मसला नहीं, ये क्रिकेट चलती रहेगी। तो पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है भाई? पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड जो है 400 करोड़ के लगभग है। इंडिया की अगर BCCI की बात करें तो उसके आप शेयर देख ले 1800 करोड़ है। ICC तो खुद BCCI के कदमों में बैठा होता है। वो आपकी बात ठीक है, हमारे जो हुक्मरान है ना, ये नहीं, अगर इमरान खान होता तो इंडिया को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, कसम से उन्होंने खुद आना था। अगर हमारे इमरान खान आज रिहा होता तो आज रिहा कर दें, इंडिया खुद आएगा यही चैंपियन ट्रॉफी खेलने, ठीक है, हमारे हुक्मरान ही नहीं है बिल्कुल। तो क्या हम बदला लेंगे 2026 में? इंडिया जितना दम है हमारी क्रिकेट बोर्ड में कि जाओ ICC हम भी नहीं खेलते, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, सच्ची बात। ये भी लग रहा है कि पाकिस्तान दुबई के लिए मानेगा, अभी मीटिंग होने वाली है, मान जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने मान जाना है, और इंडिया नहीं आएगा, इंडिया बिल्कुल नहीं आएगा, उन्होंने जो कह दिया है। तो अगर हमारा इमरान खान वज़ीर आज़म होता तो इंडिया इधर ही आ जाता, ठीक है। इमरान खान क्या करता? इमरान खान के तो इंडिया चले जी, वीडियो खत्म हो गए भाई। पाकिस्तान की पब्लिक तो भाई साहब कह रही थी कि इमरान खान होता तो शायद बदला दे देते, लेकिन आज जो रात गुजरी है ना, जो रात आज गुजरी है, बड़ी पता नहीं पूरी गुजरी है, पता नहीं वो बात पे क्या रहते हैं, वो से नकवी साहब या नहीं रहते, ये बात की बात, ये बाद में पता चलेगा। एक दफा जोश में आके बोला जरूर है, उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो बात जी जितनी हो चुकी ना इसकी उन उम्मीदों से, वो यही हुई है कि चैंपियन ट्रॉफी मैंने ये लाख बोला कि सर आप करवा रहे इवन ICC करवाती है, आपने ये पैसे दिए ग्राउंड को मुकम्मल सेट करने के लिए, आपने पैसे दिए, मतलब ICC आप इंडिया के लेकिन ICC का इवेंट है, इसमें इंडिया को इधर आना चाहिए, स्पोर्ट की मदद करनी चाहिए, स्पोर्ट को उजागर करना चाहिए, आज आवाम को मजा आना चाहिए, मैंने ये बात की। दूसरी बात यह की इंडिया इधर आएगा, हम पहले वर्ल्ड कप खेलने गए, इंडिया इधर आएगा, अगर इंडिया नहीं आता तो हम उस बादल कहीं भी नहीं खेलने वाले, हम श्रीलंका को बुला भी सकते हैं, अच्छा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। तो चैंपियन ट्रॉफी इधर ही होनी है, पाकिस्तान में होनी है। शाहिद अफरीदी का जो बयान हुआ है वो देखा सुना है, शाहिद अफरीदी कोई रुकन नहीं आई हमारे BCCI का, कोई रुकन नहीं, ऐसी क्रिकेट का स्पोर्ट्स मैंने कहा बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी बात साहब उसने ऐसे उसने बात नहीं की, किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं,
इंडिया ने उधर रहना है क्या इंडिया ये हमसे मानेगा अमृतसर इंडिया ने रहना खेल के फिर उधर चले जाना खेल के फिर चले जाना ये हो जाए लेकिन ये तो बोल रहे कन्फर्म हो चुका है यानी मीडिया कह रही है ये बात की सच्ची बात है ना इंडिया की मीडिया की सच्ची बात है ये व्यू लेने की बात करते हैं इन्होंने बात को बतंगड़ बना के बताना होता है हाँ अगर इंडिया नहीं आता वो एवरेज पे रहता है सुन दे वो रहता है एवरेज पे और पाकिस्तान को कहता है आप 26 में खेलने आओ T20 पाकिस्तान अगर नहीं मनवा सकता फिर मैं दूसरी बार वीडियो में कह रहा हूँ पहले दिन कहा था ताले लगा दो PCB को पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं सारी स्पोर्ट को खत्म कर दो फिर आपका दी एंड हो गया आप पैसे के लालच में अपनी बिस्ती कंट्री की ना करवाओ फिर इंडिया की जय जयकार पहले भी है फिर भी रहेगी आप क्रिकेट छोड़ दो आप खेलने के काबिल नहीं आप लालची आपको नहीं खेलना चाहिए मुल्क पहले मुल्क की इज्जत पहले पैसा बाद में हर बंदा पाकिस्तान के लिए मुल्क की इज्जत पहले अपनी पैसा बाद में आपकी औकात इतनी अगर नहीं है ना आप नहीं मनवा सकते ICC का इवेंट है आप अगर नहीं मनवा सकते तो फिर क्रिकेट का बोर्ड को बंद कर दो तनख्वाहें देना बंद कर दो दलील एवाम को दलील ना कराओ मुल्क की पदवानी ना कराओ उन्होंने नहीं आना उसने कहा दलील एवाम को अपने भारत की इज्जत रखनी है सच बोल रहे अच्छा ये जो इंडिया करना चाह रहा है ये पहले भी कर रहा है क्या ये स्पोर्ट्स को नुकसान नहीं है ऐसा इंडिया को करना चाहिए छतू जवाब दे दो बातों का स्पोर्ट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं लेकिन इस तरह करना नहीं चाहिए हाँ। स्पोर्ट्स को कोई नुकसान नहीं है पाकिस्तान अगर ले इंडिया तो भाई साहब ये क्रिकेट खत्म नहीं होने वाला ज्यादा होने की वजह से इंडिया कोई हाथ कह दे इस तरह स्पोर्ट्स को नुकसान में ले जाए आवाम को इंजॉय का मौका नहीं होना चाहिए इंजॉय तो किसी और कंट्री में भी हो सकता है फिर इंडिया ये स्कोर है ना अच्छा ये नहीं आएगी अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये क्या जवाब दे क्या जवाब दे एक मिनट तू कह रहे कहीं और एवरेज भी हो सकता है फिर अगर पाकिस्तान कहे कि इंडिया का हम एवरेज खेलेंगे फिर इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फिर ये भी मान लो कि एवरेज होना चाहिए मुझे ये पता जब वो नहीं आना चाहिए ये मिनट जब वो भी एवरेज होना चाहिए खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी तगड़ी दुनिया में चैंपियन है तो भाई साहब वो मनमानी करेंगे क्या दूसरी टीम के चैंपियन नहीं है नहीं है वो नहीं बनी तो वही है ना तो फिर यही बात है कि क्रिकेट के बोर्ड को ताला लगाओ पाकिस्तान चुप करके बैठ जाओ अपनी मनवा ही नहीं सकते इसको खत्म करो इनको पैसे आते ये 60-60 लाख रुपया भाप रहे आप जैसे जिनको कोई बंदा सलाम नहीं लेना चाहता इतना मनहूस इंसान भाप रहे आप जिसको सिलेक्टर बनाया है ऐसे बंदों को 60-60 लाख अभी तक है उस बंदे को क्यों हट गया यार अभी बात मुझे ये बता दिया जो पिछले दिनों हुई है वर्ल्ड टेस्ट रैंक जो जो पिछले चैंपियनशिप हुई उसके अंदर बाप रियाज नहीं था वो नहीं खेल रहा फाइनल तो ये बोल रहा है उसको खेलना नहीं आता उसको अपनी मनवा नहीं सकते पे बैठने का फायदा क्या ओ भाई साहब आप लोग पुजारी हो पैसे के जीता कंट्री हो मैं कह रहा हूं एक को नहीं बोलूंगा मैं सभी को तो फिर बिस्ती ना करवाए मैं इतनी है वो ताला लगा बिस्ती उसकी होती है जिसकी मैं कहता हूं इस बोर्ड को ताला लगाओ मर्जी करते फिर तो पंजाबी में गाओ फिर बिस्ती भी बोर्ड को ताला लगना चाहिए फिर बंद करो क्रिकेट खत्म करो अपने मुल्क से पंजाबी में कहावत है जिन्ना दे घर दाने इन्ना दे कमले भी खाने
तो भाई इंडिया के पास पैसा और वो भाई अपनी मनमानी कर रहा है और उनका भाई मनमानी आत्महत्या कर रहा है न्यूजीलैंड में भी दहशत गर्दी हुई थी उसके बाद ये नहीं खेलने गए इधर या तो बता नहीं खेले गए आज अभी 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 इसी बस अफगानिस्तान का दौरा आईसीसी रखे ना इंडिया खेलने जाएगी अफगानिस्तान दहशत गर्दों की दहशतगर्द हुकूमत है वो दहशतगर्द के लिए कहते हैं इंडियन की जबान मेजर गौरव आर्या का नाम लिया दहशतगर्द में है ये उधर खेलना चले जाए उधर जान को खतरा नहीं होगा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को खतरा नहीं न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज जिनको खतरा नहीं है वो अभी खेल चुके उनको खतरा नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम को खतरा है इंडिया के लोगों को नहीं वो तो कप्तान और सिख आ रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं आज ननकाना दब आ रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं है भैया उनको खतरा नहीं है अच्छे पकड़े इनको एक तो खतरा है भाई साहब उनके लोगों को मार रहे हैं मार रहे हैं भाई हम नहीं अच्छा कितने हिंदू इंडिया को आज मार दिए कितने आए थे मुझे बता कितनों को मार मुझे बता तो इंडिया किया है अच्छा एक वो किप्पी केरवाल वो एक अदाकार है किप्पी केरवाल वो आया जिसने तो फैसलाबाद किसने मारा है हिम्मत है वो कटारा किसने मारा है अभी अभी सुनो भैया बड़े बड़े तोहफे लेके गए हैं किस सरदार भाई को आंच भी आई है सरदार है लेकिन कम होंगे हिंदू भी हमारे प्राण हुआ इंडिया में हम अपने जितनी इंडिया हम उससे भी ज्यादा उनकी इज्जत करेंगे वो हमारी सिक्योरिटी है हमारा काम है उनको सिक्योरिटी देना तो भाई बात तो सुन ले सिक्योरिटी देना बात करते तुम्हारा भाई को कोई मार दे फिर क्या करेगा क्यों मार दे तो कारोबार करेगा ऐसे टीमें की दिक्कत नहीं होती ऐसे टीमें नहीं मुझे सवाल का जवाब दे दे पहले सिक्योरिटी होती है भाई साहब सवाल की जिम्मेदारी फूल की कंट्री की सवाल का जवाब दे भाई इसमें मारने मारने में तुम्हारे उनके जवानों को नहीं मारा अगले भैया एक मिनट जरा रुको सांस लो अजीब पागल दो बंदे बैठे भाई वो हमारे कंट्री में नहीं आना चाहते कौन क्योंकि हम उनके भाइयों को मारते हैं हाँ क्योंकि ऐसे अच्छा मेरी बात पूरी सुन ले अभी पूरी नहीं क्रिकेट से सावधान है पैसा कमाया जाता है और ये पैसा किसके पास जाता है ये भी तुम लोगों को पता ही अच्छा तो भाई साहब दहशत गर्दी होती भाई वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पैसा ना बात खत्म हो गई बात खत्म अच्छा बात है पागल जहर बनने के साथ मत खेले ये कौन इंडिया जो नहीं आएगा तो ज्यादा पैसा इंडिया पाकिस्तान यहाँ पर प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी पैसा ना कमा के कंट्री में जा रहे हैं भाई कर्माया मिसाल दी इसके भाई को कोई मारेगा ये उसके साथ तल्लुकात रखेगा नहीं पाकिस्तान को अपने कंट्री में बुला लेते हैं तब इनके भाइयों को मारने वाला ठीक है अमेरिका में जाकर इंडिया वही इनके भाइयों को मारने वाला पैसे का मामला अपने अपना पैसा कमाना तो भाई भाई गए बाढ़ में अच्छा और जब दूसरों ने कमाना है तब भाई आ गए सामने दोगलापन है कल रात को तीन बंदों को कत्ल कर दिया गया है छह बंदे तीन अभी जख्मी हालत में है हॉस्पिटल में अरबी मुबारक में सुन रहा कत्ल कर दिया कब से मुझे जब से उनकी हुकूमत शामिल है पाक आर्मी के साथ तब से छह बंदे मर गए कितने साल शुरू से पाकिस्तान इधर आया है
ट्रंप के ऊपर गोली चली उधर कोई टिश्यू नहीं है। मस्कत रखे रात को मस्कत में गोली चल के तेरी झाड़े कत्ल हो गए नौजवान वो हो गए उधर कोई टिश्यू नहीं है। इंडिया के वाड़ी का बोलते आप लोग इतना मर्जी रो ले होटल के अंदर दिमाग हो गया आप लोगों को झुकना पड़ेगा ये आपकी हमारे हमारे अख्तियार में कुछ नहीं है। नहीं आता हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता ना आए पास ना नहीं आती हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल चौबीस मिनट चले जी ठीक है। इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।